कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कई साल पहले धरती पर कुछ ऐसे क्रिएचर रहते थे जिन्हें मैजिक करना आता था, लेकिन मैजिक को सीखने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगता था। इसीलिए लोगों ने मैजिक की जगह टेक्नोलॉजी को अपनाया, जिसके चलते लोगों ने मैजिक का यूज करना बहुत ही कम कर दिया और फिर धीरे धीरे मैजिक का नाम इस दुनिया से गायब हो गया। अब लोगों को मैजिक के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है कि वो एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, लेकिन असल में मैजिक अभी भी एग्जिस्ट करता है। अब कहानी के प्रेजेंट में हम लैन नाम के एक टीनेजर लड़के को देखते हैं, जिसका 16वां जन्मदिन था, तो उसकी मॉम उसे बर्थडे विश करती है। फिर जब उनकी नजर लैन के शर्ट पर पड़ती है तो वो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो शर्ट उनके फादर की थी जिनकी डेथ काफी टाइम पहले हो चुकी है। अब लैन की मॉम उसके बर्थडे पार्टी पर उसके स्कूल के दोस्तों को इन्वाइट करने को कहती है। तभी वहाँ पे लैन का बड़ा भाई बार्ले आता है, जो कि काफी शरारती था, और वो आते के साथ ही घर में शरारत करना स्टार्ट कर देता है। इस पर उसकी मॉम उसे पनिश करती है, तो बार्ले उसके बाद घर के बाहर आकर शरारत करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है, जिसकी आधी बॉडी इंसान की और आधी हॉर्स की थी। वो इंस्पेक्टर बार्ले की मॉम के पास उसकी कंप्लेंट लेके आया था। उसकी कंप्लेंट देखकर बार्ले की मॉम उसे काफी डांट लगाती है, और जब वो इंस्पेक्टर बार्ले के साथ घर के अंदर आता है तो उसकी आधी हॉर्स बॉडी की वजह से काफी चीजें टूट रही थी। ये देखकर लैन काफी परेशान हो जाता है, इसीलिए वो जल्दी से अपने स्कूल बैग को लेकर बस स्टैंड पर बस के आने का वेट करने लगता है। वहीं बस स्टैंड पर एक आदमी उसकी शर्ट को देखकर उससे पूछता है कि ये शर्ट किसकी है, तो लैन उसे अपने डैड का नाम बताता है। ये सुनकर वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हारे डैड मेरे काफी अच्छे दोस्त थे। आगे वो लैन को उसके डैड के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है। अब लैन अपने डैड की अच्छी अच्छी बातें सुनकर काफी खुश हो रहा था। कुछ देर के बाद वो एक लिस्ट बनाता है, जिसमें वो लिखता है कि आज वो क्या क्या करने वाला है। फिर वो लिस्ट के अकॉर्डिंग अपनी कार को लेकर सबको अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करने जाता है, लेकिन इस काम को करने में वो काफी नर्वस हो रहा था, और इसीलिए कुछ लाइनों को वो अपने हाथों में लिख लेता है, और जैसे तैसे करके वो अपने सारे फ्रेंड को इनवाइट करता है। उसके सारे फ्रेंड्स भी उसकी पार्टी में आने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उसका भाई बार्ले अपनी वैन को लेकर आता है, जिसकी हरकतों से शर्मिंदा होकर लैन अपने फेस पर अपना हाथ रखता है, जिस वजह से उसके हाथ की सारी स्याही उसके मुंह पे लग जाती है। ये देखकर उसके सारे फ्रेंड उस पर हंसने लगते हैं, इसलिए लैन सबसे कहता है कि उसकी बर्थडे पार्टी कैंसिल हो गई है, और इतना कहकर वो अपने भाई के साथ अपने घर पर आ जाता है। लेकिन इससे लैन काफी दुखी था, क्योंकि उसने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, और इसीलिए अब वो उस लिस्ट में लिखे हुए सारे काम को इरेज करने लगता है। लैन को दुखी देखकर उसकी मॉम उसे वो गिफ्ट देती है, जो कि उसके डैड ने उसके 16वें जन्मदिन पर देने को कहा था। वो उस गिफ्ट को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाता है, और जब वो उस गिफ्ट को खोलकर देखता है तो उसमें एक मैजिकल स्टिक और एक खास तरह का पत्थर होता है, और एक कागज पर एक मैजिकल स्पेल लिखा हुआ था। इसके अलावा कागज पर लिखा हुआ था कि मैजिकल स्टिक के ऊपर वो पत्थर लगाने से मरे हुए इंसान को एक दिन के लिए जिंदा किया जा सकता है। अब ये सुनकर वो दोनों भाई बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं अपने मरे हुए डैड से मिलने के लिए, और बिना कोई टाइम वेस्ट किए बार्ले उस मैजिकल स्टिक से अपने डैड को बुलाने लगता है, लेकिन उससे कुछ होता नहीं। तो लैन उस मैजिकल स्टिक को लेकर अपने कमरे में आ जाता है और कागज पे लिखे उस स्पेल को पढ़ने लगता है, और तभी उस मैजिकल स्टिक में रोशनी हो जाती है। ये देखकर लैन उसे अपने हाथों में उठाकर उस स्पेल को पढ़ने लगता है, और देखते ही देखते वो मैजिकल स्टिक लैन के डैड को वापस से जिंदा करने लगती है। लैन का शोर सुनकर बार्ले उसके कमरे में आ जाता है, और वो ये देखकर लैन को और मोटिवेट करने लगता है, जिससे उनके डैड एक दिन के लिए उनके पास आ सके। लेकिन अब उस मैजिकल स्टिक को लैन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो वो मैजिकल स्टिक नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो खास तरह का पत्थर टूट जाता है, और जिसके कारण मैजिकल स्टिक का वो मैजिक पूरा नहीं हो पाता। इसीलिए लैन और बार्ले के डैड पूरी तरह से धरती पर आ नहीं पाते, और अब उनके पास सिर्फ उनकी आधी बॉडी आई हुई थी। ये देखकर लैन बार्ले के ऊपर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसने लैन को मोटिवेट करने के चक्कर में उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, और उसी की वजह से वो मैजिकल स्टिक को कंट्रोल नहीं कर पाया। बार्ले उस टूटे हुए पत्थर को देखकर लैन को बताता है कि उसे पता है कि ये खास किस्म का पत्थर कहाँ पे मिलेगा। ये सुनकर लैन खुश हो जाता है और बार्ले से उसे लेकर उस जगह पर चलने को कहता है, और अब वो दोनों अपने डैड को लेकर जाने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले लैन दरवाजे पर अपनी मॉम के लिए एक लेटर रखता है। थोड़ी देर बाद जब लैन की मॉम घर पर आती है तो उनकी नजर उस लेटर पर पड़ती है, जिसे देखकर उन्हें पता चल जाता है कि बार्ले और लैन कहां पर गए हैं, और इसीलिए वो भी जल्दी से उस जगह पर जाने लगती है। अब कुछ देर के बाद लैन और बार्ले उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक मैजिकल क्रिएचर से मिलना था। वो एक रेस्टोरेंट में उस मैजिकल क्रिएचर से मिलते हैं और उससे मैप के बारे में पूछते हैं, मगर वो लैन को मैप देने से मना कर रहा था, क्योंकि वो मैप का रास्ता बहुत ही खतरनाक
नाक था और तो और वो मैजिकल क्रिएचर एक टाइम पे एक सोल्जर हुआ करता था और वो अपने मुंह से आग भी निकाल सकता था और फिलहाल वो एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी कर रहा था। ये देखकर लैन और बार्ली उसे मोटिवेट करते हैं, जिसके चलते वो मैजिकल क्रिएचर काफी मोटिवेट होकर अपने मुंह से आग निकालता है, लेकिन वो उस आग पर कंट्रोल नहीं कर पाता जिससे पूरे रेस्टोरेंट में आग लग जाती है और उनका मैप भी उसी आग में जल जाता है, जिसमें उस खास किस्म के पत्थर के पास जाने का रास्ता था। अब उस रेस्टोरेंट में चारों ओर आग लग गई थी, इसीलिए सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। वहीं लैन और बार्ली भी गेट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन इस दौरान उनके डैड की वो बॉडी पीछे रह जाती है, जिनके ऊपर एक पिलर गिरने ही वाला था कि तभी लैन एक स्पेल बोलकर एक मैजिक करता है और वो उस पिलर को हवा में ही फ्रीज कर देता है, जिसके बाद लैन और बार्ली अपने डैड को लेकर सही सलामत रेस्टोरेंट के बाहर चले आते हैं। और उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही वहां पर लैन की मॉम आती है और वो उस रेस्टोरेंट में लगी हुई आग को देखकर काफी परेशान होती है। उसके बाद वो उस मैजिकल क्रिएचर से लैन और बार्ली के बारे में पता करती है, तो उससे उन्हें पता चलता है कि उसने उन दोनों को उस जगह के बारे में बताया है जहाँ पर वो खास किस्म का पत्थर मिलता है। आगे वो मैजिकल क्रिएचर कहता है कि अगर लैन और बार्ले ने उस खास किस्म के पत्थर को उठा लिया तो उन्हें एक कर्ज मिलेगा। ये सुनते ही लैन की मॉम बच्चों को बचाने के लिए मैजिकल क्रिएचर के साथ उनके पीछे जाती है। इधर रास्ते में जब बार्ली के वैन का फ्यूल खत्म हो जाता है तो उसे एक आइडिया आता है और वो लैन से कहता है कि तुम मैजिक से इस गैस कैन को बड़ी कर दो। लैन उसकी बात मानकर अपने मैजिक से उस गैस कैन को बड़ी करने लगता है, लेकिन उसका मैजिक बार्ली के ऊपर हो जाता है जिसकी वजह से वो बहुत छोटा हो जाता है। इस तरफ लैन की मॉम मैजिकल क्रिएचर से उस कर्ज के बारे में पूछती है, तो वो उन्हें बताता है कि जैसे ही कोई उस खास किस्म के पत्थर को उठाता है तो वहाँ एक ड्रैगन आ जाएगा जो कि उस पत्थर की हिफाजत करता है। उस पत्थर के हटते ही वो ड्रैगन उस जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। ये सुनते ही लैन की मॉम उस ड्रैगन से बचने का सॉल्यूशन पूछती है। इस पर वो मैजिकल क्रिएचर बताता है कि हम उस ड्रैगन को एक सोल्जर स्वॉर्ड से मार सकते हैं। इधर लैन बार्ली को अपनी जेब में बिठाकर गैस स्टेशन पर आ गया था। अब वो जब गैस कैन में फ्यूल भर रहा था तो बार्ली वहाँ पर कुछ स्मॉल क्रिएचर से झगड़ा करता है, तो वो स्मॉल क्रिएचर बार्ली के पीछे ही पड़ जाते हैं। जैसे तैसे करके लैन बार्ली को उनसे बचाकर कार में बैठ जाता है, मगर बार्ली के छोटा हो जाने से वो कार को अब ड्राइव नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से अब लैन को ही ड्राइव करनी पड़ती है, जो कि उसके लिए काफी मुश्किल का काम था क्योंकि उसे ठीक से कार चलाने आती नहीं थी। लेकिन वो अपने डैड और भाई के लिए कार को ड्राइव करता है और आखिर में वो उन स्मॉल क्रिएचर को पीछे छोड़ देता है, जिसके बाद बार्ली भी पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन तभी अब उनके पीछे पुलिस आ जाती है और लैन को ना चाहते हुए भी कार रोकनी पड़ती है। लेकिन पुलिस से बचने के लिए लैन और बार्ली मैजिक से उस पुलिस इंस्पेक्टर का रूप ले लेते हैं जिसकी आधी बॉडी इंसान की और आधी हॉर्स की थी। अब एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर सामने वाले पुलिस ऑफिसर कुछ नहीं कर पाते और वहीं लैन का मैजिक खत्म होने से पहले वो दोनों कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अब वो पुलिस ऑफिसर पुलिस इंस्पेक्टर के शूज के निशान देखकर हैरान थे। वहीं पे लैन और बार्ली के बीच में बहस होने लगती है, तो उनके डैड एक सॉन्ग लगाकर वहीं पे डांस करने लगते हैं, जिसे देखकर वो दोनों भी उनके साथ ही डांस करने लगते हैं। इस तरफ लैन की मॉम और मैजिकल क्रिएचर एक शॉप पे आते हैं जहाँ से उन्हें वो स्वॉर्ड मिलने वाली थी, लेकिन शॉप की ओनर उस स्वॉर्ड का दाम बढ़ा देती है। तभी लैन की मॉम को पुलिस ऑफिसर से पता चलता है कि उनके बच्चे उन्हें मिल चुके हैं, तो वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए उस शॉप ओनर को बेहोश करके वहाँ से स्वॉर्ड को अपने साथ ले जाती है। वहीं लैन और बार्ली एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर खाई होती है और वहाँ से आगे जाने के लिए उन्हें पुल से वैन लेकर जाना था, लेकिन वो पुल फोल्डेड था और जिसको सीधा करने का स्विच भी काफी दूर था। तो इस पर बार्ली लैन को मैजिक से एक इनविजिबल पुल बनाने को कहता है जिससे वो खाई के दूसरी ओर जाकर उस पुल को सीधा कर सके, लेकिन लैन उस खाई को देखकर काफी डर गया था, तो बार्ली उसे रस्सी से बांध देता है जिससे वो लैन को गिरने से बचा सके। अब लैन एक मैजिक स्पेल को बोलकर खाई के ऊपर से जाने लगता है, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होता, पर बार्ली उसे गिरने से किसी तरह बचा लेता है। इसके बाद वो लैन को मोटिवेट करता है, तो लैन एक बार फिर से उस मैजिकल स्पेल को बोलता है, जिसके बाद सच में वहां पर एक इनविजिबल पुल बनता है जिसकी मदद से लैन खाई को पार कर रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी पीठ पर बंधी हुई रस्सी छूट जाती है। ये देखकर बार्ली काफी परेशान होने लगता है, लेकिन वो इसके बारे में लैन को कुछ भी नहीं बताता। अब लैन खाई के दूसरी ओर पहुंच ही गया था कि तभी वो पीछे देखता है तो उसे रस्सी नहीं दिखती, जिसके बाद वो डर के कारण स्पेल नहीं बोल पाता और इसीलिए अब वो गिरने वाला था, लेकिन वो जैसे तैसे किसी तरह ऊपर आ जाता है, जिसके बाद लैन उस फोल्डेड पुल को सीधा करता है और उसकी वजह से बार्ली उस वैन को लेकर पुल की दूसरी तरफ आ जाता है।
जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर भी आ जाता है जो लैन और बार्ली को घर वापस चलने को कहता है, लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं मानते और वहाँ से आगे जाने लगते हैं। तो उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। इस पर लैन रोड को ब्लॉक करने के लिए मैजिक से एक चट्टान गिराने लगता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। ये देखकर बार्ली अपनी वैन की मदद से उस चट्टान को नीचे गिरा देता है, जिससे वो रोड ब्लॉक हो जाती है। अब लैन और बार्ली वहाँ से पैदल ही आगे जाने लगते हैं और कुछ देर के चलने के बाद वो दोनों एक अंधेरी गुफा में पहुँचते हैं, जहाँ पे उनका सामना होता है जेली क्यूब से जो उनकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन लैन बार्ली और अपने डैड को लेकर एक कमरे में आ जाता है, मगर अब उस कमरे में भी पानी का लेवल धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था और अब वो दोनों वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तो वहीं पे उन्हें ऊपर से बाहर जाने का रास्ता मिलता है, लेकिन उसे खोलने के लिए नीचे का स्विच प्रेस करना था, मगर वो दोनों ऐसा कर नहीं पा रहे थे क्योंकि अब पानी का लेवल काफी ऊपर बढ़ गया था और उनको अब बहुत नीचे जाकर स्विच प्रेस करना था। इसीलिए उनके डैड वो स्विच प्रेस करने जाते हैं और उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब वो अपने सामने अपने स्कूल को देखते हैं तो वो दोनों काफी हैरान होते हैं। अब लैन बार्ली को वो मैजिकल स्टिक देकर कहता है कि वो बचा हुआ टाइम अपने डैड के साथ स्पेंड करेगा और इतना कहकर वो अपने डैड को लेकर पहाड़ पर चला जाता है और वो उस लिस्ट को देखने लगता है जिसमें उसने वो सब कुछ लिखा था जो वो आज अपने डैड के साथ पूरा करना चाहता था। और तभी उसे रियलाइज होता है कि ये सब चीजें उसने अपने भाई बार्ली के साथ पूरी की है और इसीलिए अब वो बार्ली पे भरोसा करना चाहता था। वहीं बार्ली को फाउंटेन में वो पजल स्टोन लगाने की जगह मिल जाती है, तो वो जल्दी से उस पजल स्टोन को उस फाउंटेन में फिट करता है। बार्ली के ऐसा करते ही तुरंत से वो खास किस्म का पत्थर मिल जाता है और वो उसे उठा लेता है, जिसके तुरंत बाद वहाँ पर वो ड्रैगन आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो मैजिकल क्रिएचर लैन की मॉम के साथ हवा में उड़ते हुए आता है और आते ही वो मैजिकल क्रिएचर उस शॉट से ड्रैगन के पंख को काट देता है, जिससे अब वो ड्रैगन जमीन पर ही गिर जाता है। वहीं पे लैन और बार्ली अपने डैड को पूरी तरह से वापस ला रहे थे, लेकिन तभी पीछे से लैन की मॉम बच्चों को आवाज देती है कि वो ड्रैगन को बहुत देर तक रोक नहीं पाएगी, इसीलिए बार्ली उनकी मदद करने के लिए जाने लगता है। मगर लैन उसे रोक कर खुद ही वो अपनी मॉम की मदद करने के लिए चला जाता है और वहाँ पर वो उस ड्रैगन का सामना करके उसे उस शॉट से मार डालता है, लेकिन ड्रैगन के ब्रिक्स की वजह से लैन वहीं फंस जाता है। इधर लैन के डैड पूरी तरह से वापस आ चुके थे, जिनसे बार्ली काफी बात करता है और अब उनके वापस जाने का समय भी हो गया था और इसीलिए वो हमेशा के लिए धरती से चले जाते हैं और ये सब लैन दूर से देख रहा होता है। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि बार्ली ही उसके लिए सब कुछ है और इसके बाद वो जाकर बार्ली से गले मिलता है। इसके बाद कुछ सालों के बाद की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें अब ये दुनिया पहले की तरह ही फिर से मैजिक का यूज कर रही थी। वहीं लैन अपने स्कूल में बच्चों को मैजिक सिखा रहा था और इसके अलावा उसने बार्ली को एक नई कार गिफ्ट की थी, जिसे देखकर बार्ली काफी ज्यादा खुश था। और फिर वो दोनों मैजिक से अपनी कार को उड़ाकर एडवेंचर पर चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।